नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे डेयरी फार्म के एक छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा रात थी, मतलब कि मैं जल्दी आ गया था अपने फार्म पर। अभी 5:30 हुए थे क्योंकि मुझे आज बहुत काम था, मुझे आज खेत भी बकरवाना था, मतलब खेत की जुताई उताई करनी थी, इसलिए मैं अपने फार्म पर जल्दी आ गया। और मैं अपने फार्म पर आया तो गायों ने बहुत गंदा कर रखा था फार्म पूरा, गोबर वगैरह सब कुछ पड़ा था। देखो यहाँ पर एक तो बारिश की वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि बारिश हर 2-3 दिन में बारिश हो जाती है, जितना सूखता है उतना ही गीला हो जाता है, और कहाँ से सूखेगा पूरा फार्म। देखो मैंने गायों को सबको सानी यानी कर दी, मतलब कि अपना एक खा रही बड़ियल भूसा वगैरह डाल दिया था, सबको सानी बना दी थी। और ये मेरी भैंस की पड़ी रही है, इसका कोई इलाज बताओ भाई, कमेंट में बताना कि ये गोबर करती है जो वो पतला करती है। मैंने दूध भी बंद कर दिया था, थोड़ा देने लगा था, और मैंने इसको दवाई भी दे दी, दवाई से भी इसको कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन वो गोबर पतला ही कर रही है। अगर किसी के पास कोई मतलब सुझाव हो अच्छा तो कमेंट में बताना। और देखो मेरी लाली ने भूसा अपना पूरा खा लिया, बस हरा चारा बचा इनका। और मेरी गिर ने भी, मैं इस गिर गाय का नाम क्या रखूँ कमेंट में बताना, आप लोग सब लोग कमेंट में बताओ भाई, इसका अच्छा सा कोई नाम हो वही रखूँगा मैं इसको। और देखो इसके शरीर पर कोई भी मतलब कि जैसे किल्ली वगैरह चीचड़ वगैरह रहते हैं वो रहती हैं, तो ये अपना बहुत मतलब कि खुजाने लगती है। एक तो जैसे नॉर्मली गाय में रहता है कि उसको लगा है तो लगा रहने दो, लेकिन बहुत ये खुजाती है, ऐसे पूंछ मारेगी, कुछ करेगी, दूध नहीं देगी, इसलिए इसको शरीर में कीचड़ वगैरह चीचड़ वगैरह कुछ भी लगा नहीं रहने देता, इसलिए हटा देता हूँ। और मैं अपने आपको एक बात बता दूँ, मैंने अपने फार्म पर सौर ऊर्जा प्लेट रख दी, मेरे पास ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी घर पर, तो मैंने देखा कि इसका कुछ यूज नहीं करता मैं, तो इसलिए मैंने अपने फार्म पर ले आया। यहाँ पर मेरी बछड़ी और वो भैंस की पाड़ी बंधी रहती है, इसलिए मैंने उनको लगा दिया। वो छोटे बच्चे ने, वो गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो ये रही उसकी वायर, और उस छप्पर के ऊपर मैंने रख दिया है वो सौर ऊर्जा प्लांट। और यहाँ पर हवा दोपहर के टाइम इतना तेज़ घाम रहता है, जितनी तेज़ धूप रहेगी उतनी तेज़ चलता रहता है। ये शाम को 5:30 बजे के बाद थोड़ा धीमा हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर बांधी, ये हवा दे रही है बढ़िया, इसको मैं थोड़ा नीचे और करूँगा क्योंकि यहाँ पर करंट दोनों आपस में तार जुड़ जाते हैं, और आपको थोड़ा शायद एक्स्ट्रा साउंड हो रहा होगा क्योंकि बगल में मेरा एक भाई लोग किसी लोग का खेत है, वो जोत रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पर। देखो ये भाई तार हट गया, देखो मैंने आपको बताया था तार जुड़ जाते हैं आपस में, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो तार एक तरफ हट जाता है। अब मैं इसको दोबारा से जोड़ूंगा, मैंने अपना काम तो सब कुछ कर लिया था, शाम का टाइम हो गया भाई। और यहाँ पर देखो मेरी बंदी है गिर गाय, और लाली तो अपना कोने में बंदी रहती है वहाँ पर, इस जगह पर ठंडक रहती है दोपहर के टाइम में, इसके आगे कूलर एसी सब कुछ फेल है। यहाँ पर कच्चे मकान में जो रहता है क्योंकि ऊपर छप्पर वगैरह रहता है, ऊपर जैसे खप्पर वगैरह हैं उनमें गाय आराम से बैठी रहेगी। भाई आपको साउंड ज़्यादा सुना रहा है क्योंकि बगल में ट्रैक्टर चल रहा है, तो मुझे भी ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ आ रही है इसकी। शाम का टाइम हो गया भाई, 6 बज चुके थे, मिल्किंग का टाइम है, भैंस की तो मिल्किंग अभी हुई नहीं क्योंकि गिर गाय की मेरी मिल्किंग हो चुकी थी। इसका कोई कमेंट में नाम बताना, मैं नाम रख दूँ कि मैं इसको गिर गाय बुला दूँ या फिर कोई नई गाय बुलाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ इसका नाम सरस्वती रख दूँ, आप लोग कमेंट में बताना। मेरी भैंस ने अभी दूध नहीं, क्योंकि वो भैंस लगती मेरे टाइम से लगती है, 7:30 या 7 बजे लगेगी। इसके पहले अगर कोई भी दूने को बैठेगा तो यहाँ वहाँ भागेगी, लात मारेगी, दूने नहीं देती है। और मेरी गाय ने तो अभी दूध दे दिया है, मैंने जो मेरे पास बछड़ा था वो उसको मैं बैल बुलाता था, वो 2 दिन से घर नहीं आया, पता नहीं मैंने उसको चलने के लिए छोड़ दिया था, थोड़ा घूमते घूमते वो पता नहीं कहाँ चला गया। और देखो अभी दूध पीने का टाइम है, इसलिए यहाँ पर ही खड़ी हो गई मेरे पास में आकर। अब मैं जब उसको छोड़ने जाऊँगा तो ये मुँह मारती है पेट में, मेरे पेट में मारेगी, पैर में मुड़ मारेगी अपना, इसके तो चीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं पाड़ी के, और इसको दस्त भी लगते हैं। मैंने इसकी दवाई भी करा दी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अभी, तो मैं सोच रहा हूँ किसी दिन डॉक्टर को बुलाऊँगा, अगर गायों वगैरह के लिए कुछ देखना होगा तो इसलिए उसको भी इंजेक्शन वगैरह जो कुछ दवाई होगी वो लगवा दूँगा। और देखो मेरी गिर गाय ने अभी तो हरा चारा खा लिया है, ये चारा बहुत इसका, ये इसके शरीर है इसके हिसाब से इसका, लेकिन उतना चारा नहीं खाती है, एक छोटी गाय के बरोबर जैसे किसी बछड़े बरोबर चारा वगैरह खाएगी, बस बहुत धीमे धीमे खाती है। अगर सुबह अगर इसकी पूरी नांद भर दी जाए तो शाम तक खाती रहेगी।
इसमें यही दिक्कत है। और दूध भी उतना नहीं दे रही क्योंकि दो ढाई ढाई लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे रही है। मैं इसको चार एक टाइम में 4 लीटर की दर पर लाया था।